What's up guys, welcome back to my channel, this is Ricky Thakur। तो चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के घर की। बिग बॉस के घर में मैंने आपको पहले ही बोला था नॉमिनेशन के बाद बहुत जल्दी जल्दी समीकरण बदलेंगे और बदलते हुए दिखे भी। जिस तरीके से कविता कौशिक वर्सेस पूरा घर हुआ पड़ा है वो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अली गोनी का गेम कहाँ से गलत हो गया और कैसे अली गोनी को मिल गई बिग बॉस द्वारा एक बड़ी सजा। साथ ही अभिनव शुक्ला को भी बिग बॉस ने सिखाया सबक, ये कैसे हुआ इसके बारे में हम पूरी पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कौन से घर वाले हुए पड़े हैं पूरी तरीके से कंफ्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कविता कौशिक की। कविता कौशिक घर में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रही है, ऐसा लग रहा है एक साइड कविता कौशिक है और एक साइड पूरा का पूरा घर हुआ पड़ा है। जिस तरीके से कविता कौशिक ने अपनी गेम को चलाया हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें देखकर सिद्धार्थ शुक्ला और गौतम गुलाटी की याद आ रही है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से अपना स्टैंड लेता था और जिस तरीके से पूरा घर उसके एंगेज हो जाता था, और वही चीज गौतम गुलाटी भी करता था, जिस तरीके से पूरा का पूरा घर एक साइड और एक साइड गौतम गुलाटी होता था, तो वो चीज देखने में कविता कौशिक की भी मिल रही है। लेकिन कविता कौशिक कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पे थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ जाती है। वैसा उनको अगर वो ना करें तो शायद बिग बॉस में वो बहुत आगे तक जाएंगी और ट्रॉफी की हकदार भी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कविता कौशिक को अपना गेम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और घर वाले जिस तरीके से उसको टारगेट कर रहे हैं, एक्चुअली कविता कौशिक उसी से ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं अली गोनी, जो की बार बार कविता कौशिक से साथ पंगा लेते थे, अपने आप को ऐसा फील करवाते हैं। जैसा कि मैं आपको अली गोनी के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि वो बंदा मुझे पूरा टाइम शिशोरी हरकतें करता हुआ दिखता है, लेकिन जिस तरीके से वो शो में कंटेंट दे रहा है, कविता कौशिक के साथ पंगे ले लेके ही चाहे वो कंटेंट दे रहा है, लेकिन उसको उसका फायदा तो मिल ही रहा है क्योंकि शो वाले जल्दी उसे बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर उसको बाहर कर दिया तो घर में कोई भी कंटेंट नहीं देगा। और पवित्रा पुनिया, जो कि मुझे लग रहा है बड़ा अजीब तरीके का गेम अब खेल रही है, दो हफ्ते से वो पिछला हफ्ता तो चला गया, ये हफ्ते में भी वो दिखाई नहीं दे रही है और इतनी ज्यादा वीक पड़ चुकी है, क्या हुआ है उसे, किस चीज से डर गई है वो, मुझे लगता है नॉमिनेशन का डर कहीं ना कहीं पवित्रा पुनिया को सता रहा है। और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एहसास के साथ उसकी जो दोस्ती और दुश्मनी बदल रही थी वो अब कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा दब गई है, ये एक्चुअली इसके कारण भी हो रहा है। हालांकि हमने कल के एपिसोड में भी देखा, वो रात को जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, भूत वाला कुछ प्रैंक वो प्लान कर रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि वो इतना ज्यादा मुझे आर्टिफिशियल लगा उसका ये फुटेज लेना, घर में इतनी ज्यादा गहमी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस चीज में आप भूत वाला एंगल डाल रहे हो तो कहीं दिखोगे ही नहीं। और वही बात कल के एपिसोड में भी दिखी कि पवित्रा पुनिया जिस भूत वाले एंगल को भुनाना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं दब के रह गया। अगर मैं आपको बताऊं, भूत वाला एंगल बिग बॉस में हर सीजन में डाला गया है, 13 में भी था, लेकिन वो 12 में भी था, 11 में भी था, लेकिन जिस तरीके से वहां पे ये बात अफवाह थी कि जब लोनावाला में ये सेट लगा था, वहां पे जहां पे सेट लगाया जाता है, तो वहां पे भूतिया एक्टिविटीज के लिए वो जगह काफी मशहूर है, लेकिन अभी का जो सेट है वो बिल्कुल शहर मीन मुंबई के बीचों बीच फिल्म सिटी में लगा है, वहां पे ये घटना आप कैसे इसको बिल्डअप कर सकते हो। तो शायद पवित्रा पुनिया ने वहां के जो 13 सीजन उसने देखे हैं उसी चीज को यहाँ बिल्डअप करने की कोशिश की कि थोड़ा सा मैं फुटेज लेने के चक्कर में भूत वाला एंगल डाल देती हूँ और वहां पे मुझे फुटेज मिल जाएगा, और वहां वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई। हालांकि एजाज ने भी पूरा एंटरटेन करने की कोशिश की, उस चीज को भुनाने की कोशिश की, और एजाज और पवित्रा पुनिया का ये एंटरटेनिंग फैक्ट जो था कहीं ना कहीं दबके रह गया, क्योंकि घर में हो गया बहुत बड़ा हंगामा। क्यों हुआ ये हंगामा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिग बॉस ने जिस तरीके से अली गोनी और अभिनव और एजाज ने पिछले दिनों एक सेंध किया था कविता को, जो उन्होंने एक लग्जरी आइटम दिया हुआ था, एक बॉक्स वो फ्रीजर दिया हुआ था जिसमें कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी, तो अली गोनी ने उसको जिस तरीके से चोरी से निकाला था, एक बार देखने में अच्छा लगा था जब एजाज और अली गोनी ने किया था, लेकिन अली की ये शरारत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो अभी खटकने लगी, वो एक्चुअली बदतमीजी और रूल तोड़ने के रूल उल्लंघन में आ गई, और उस चीज को अली और अभिनव ने कई बार किया, और उसका जो बिग बॉस ने ऐलान किया कि घर में
में जो रूल तोड़ रहे हैं, जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनको सजा दी जाए। और कविता कौशिक जो है बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है, जिस घर वाले ने रूल तोड़े हैं उनका सामान उसमें डाल दे, बॉक्स में डाल दे, जो उनको नहीं मिलेगा और ये सजा उनको दी जाएगी। और कविता कौशिक ने अगर ये कार्य अच्छे से किया तो वो अगली कैप्टनसी के लिए भी दावेदार रहेंगी, अगर नहीं कर पाई तो अगली कैप्टनसी के लिए वो दावेदार नहीं रहेंगी। कविता कौशिक ने पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन जिस तरीके से कविता गेम को समझने में यहाँ पे थोड़ी सी चूक गई, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था उनकी कैप्टनसी के दौरान, ना कि पूरे सीजन के दौरान। तो कविता कौशिक पूरे सीजन में जिस तरीके से अली की गलतियां करती हुई, अली ने चौकेट दी थी और इसने ये किया था, वो करती हुई नजर आई। हालांकि कविता को यहां समझना चाहिए था कि उसकी कैप्टनसी के दौरान किसने रोल तोड़ा है। तो अली का जो सामान उसने उठा के रेजर उसने डाला, बाद में जूते डाले, तो वो अली ने जिस तरीके से हंगामा किया, उठा लिया कि मुझे रीजन बताओ क्यों डाला है। हालांकि अली खुद को जानता है, लेकिन कविता को नहीं पता कि उसने कौन सा रूल तोड़ा है। तो ये जानना कविता के लिए बहुत जरूरी था, चाहे मैनिपुलेट करके घर वालों से सबके रीजन निकलवाती और फिर ये करती, इंटरेस्टिंग गेम हो सकता था। तो इसी अली और कविता की जो बहस हो रही थी सामान को लेकर, उसने कविता के मुंह से निकल गया कि इस चीज में तो मैं तुम्हारी बाप हूं। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं था, एक लड़की कह रही है कि मैं तुम्हारी बाप हूं, तो उसको लाइटली कह देना चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें भी लड़की एक तो बाप नहीं हो सकती, ठीक है। अली ने जो मुद्दा उठाया, तुम मेरे बाप पे कैसे जा सकती हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, तो उसने जी सुपीरियर में बोला था कि इस चीज में मैं तुम्हारी बाप हूं, ना कि मैं तुम्हारी बाप हूं, या फिर वो तुम्हारे बाप को गाली दे रही है या तुम्हारे बाप पे गई है। तो ये चीज अली ने जो मुद्दा पकड़ा वो बहुत ही गलत मुद्दा पकड़ लिया, और इस मुद्दे के लिए अली के साथ पूरे घर वाले अली के साइड हो गए और कविता अकेली खड़ी रही। और कविता ने जिस तरीके से स्टैंड लिया और जिस तरीके से अली ने घर में तोड़फोड़ मचा दी कि ऐसा कैसे कर सकती है, ये कर सकती है, तो कविता को हल्की सी चोट भी आई। उस चोट पे वो अड़ी रही और कविता को हमने थ्रू आउट देखा कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। हालांकि सब घर वाले अली का साथ दे रहे थे और कविता ने जिस तरीके से बिग बॉस में चीजें उसके साथ हुई हैं, जिस तरीके से उसने स्टैंड लिया है, बिग बॉस को अली को उसकी हरकत की वजह से नॉमिनेट करना पड़ा, उसको सजा मिली अली को इस चीज का, जो उसने तोड़फोड़ की वो अगले हफ्ते के लिए भी नॉमिनेट हो गया। और उसके बाद बिग बॉस ने उसको कहा कि ये कार्य फिर से जारी रखा जाए और इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करेगा। लेकिन लेकिन जैस्मीन कहां समझने वाली थी, वो तो लॉइन की मोना बन चुकी है, जैसा कि कविता कहती रहती है। तो मोना ने फिर से एक गलती कर दी और वहां पे जो अली का दोबारा सामान डाला, जूते डाले, वो मोना ने उठा के रख लिए अंदर जाके, क्योंकि बिग बॉस के कहने के बावजूद भी। और अभिनव शुक्ला यहां बंदरों की तरह गुलाटी मारते हुए नजर आए, जिस बंदे को मैं थ्रू और समझदार मानता रहा और बोलता भी रहा, वो बंदा नॉमिनेशन में आने के बाद इतना ज्यादा कैसे हिल सकता है अपने दिमाग से। तो वो बंदे ने भी यहाँ पे डब्बा ही उल्टा कर दिया और उसके ऊपर बैठ भी गया। तो ये चीज उसकी कहीं ना कहीं खटक गई। और जैसे ही ये कार्य खत्म हुआ, बिग बॉस ने ऐलान किया कि जैस्मिन ने ये रूल तोड़ा है और अभिनव ने तोड़ा है। जैस्मिन को सजा दी गई कि या तो वो अपना पूरा सामान रख दे, या तो कविता द्वारा रखा गया सामान उधर रख दे, स्टोर रूम में रख दे। तो जैस्मिन यहाँ पे जो लॉजिक देती हुई नजर आई कि मैं जो उसके अली के जूते रख देती हूँ जो कविता ने रखे थे, और क्योंकि मैं अपना सामान नहीं रख सकती क्योंकि अली चाहता है मैं हमेशा खूबसूरत दिखूं। एक बस मैं क्या बोलूं इस लड़की को, अभी इतनी अजीब लॉजिक देते हुआ, अब तुम्हें अपना दोस्त याद नहीं आया, तुम कर देती अपना पूरा का पूरा मेकअप का सामान सेक्रीफाइस, क्यों तुम्हें अली को खूबसूरत दिखना है, अली के पास जूते नहीं है भाई उस बंदे के पास, और तुम अपना मेकअप नहीं सेक्रीफाइस कर सकती थी। ये दोस्ती दिखा रही हो जो कि थोड़ी ही देर पहले दोस्ती की आहें भर रही थी। ऊपर से अभिनव को ये सजा दी गई कि वो जिसने पूरा बाधा डाली है, काम रोका है, जो टास्क दिया था टास्क रोका है, अली को अभिनव को ये सजा मिलनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा सामान, जो भी उसके कपड़े हैं, जो भी उसका जूते हैं, सब सामान उसका अभी तक का सारा सामान वो स्टोर रूम में रख दे जो कि अभिनव को रखना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि अभिनव और अली ने ही सबसे ज्यादा रूल तोड़े थे जिसपे बिग बॉस खफा थे, और अभिनव और अली को ही ये सजा सुनाई गई। एजाज ने भी तोड़ा था, एजाज को सजा क्यों नहीं मिली ये भी मैं बता देता हूँ कि एजाज ने एक बार किया था, वो जो एंटरटेनमेंट फैक्ट के तौर पे अच्छा भी लगा था, लेकिन उसके बाद वो बार बार उस चीज में नहीं घुसा। लेकिन अली और अभिनव का बहुत ज्यादा हो गया था और ये चीज होना बहुत जरूरी थी।
और दोनों को सजा मिली। और इसी दौरान जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे कविता और अली के बीच में, उस दौरान जो अली कहता हुआ नजर आया कि हाँ मैं हूं तुम्हारा बाप, मैं हूं तुम्हारा बाप, और देखना अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तुम्हें एक पल भी जीने नहीं दूंगा, ये चीजें जो स्टेटमेंट बोल रहा था, जो कि अब मैं तुम्हें आप बोलता था, अब मैं देखा तू तू करके बोलूंगा। तो अगले ही पल जब गेम खत्म होता है, सजा मिल जाती है, नॉमिनेट हो जाते हैं, अली जाके वहां पे, जी कविता जी आपको ये नहीं करना चाहिए था। इतना ज्यादा मुझे उसका वो अजीब लगा कि ये बंदा अपनी ही बात पे खरा नहीं उतर पाता, ये बंदा अपनी ही बातों में कम से कम 1 घंटा तो टिके, तुम तो 1 घंटे में ही मीन ऐसे स्लिप मार जाते हो कि तुम उसी बंदी के चरणों में आके जी कविता जी कर रहे हो जो कि पहले तू तड़ाक पे आ चुका था। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरी लगी। वही रुवीना भी मुझे बहुत ज्यादा गलत जाती हुई नजर आई, क्योंकि कविता के दौरान रुवीना ने जो हरकतें की वो उसे नहीं करनी चाहिए थी। एक तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा, ये समझा चुका है उसको कि अभिनव अब घर से बाहर हो सकते हैं। ये मैं भी आपको बता दूं, जिस तरीके से उसका सामान लिया गया है उस तरीके से वो घर से बाहर जाने के पूरे पूरे कगार पे हैं। तो अभी उसको अपना एक स्टैंड बनाना पड़ेगा, बैक पिलर रखना पड़ेगा। वो अली और जैस्मिन को वो समझ रही है क्योंकि जैस्मिन उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। और जिस तरीके से वो कविता के पास गई, तुम्हें कहीं लगी है या फिर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो चीज करते हुए भी वो थोड़ी सी गलत चलेगी, क्योंकि उस वक्त जब वो कैमरे से बात कर रही है, गुस्से में है, उस वक्त एथलीस्ट तुम उसको उसका साथ नहीं दे रही हो, तो उसके पक्ष में या विपक्ष में भी मत बोलो खड़ी हो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी वो अली की टीम में समझती है। तो तुमने तो पहले ही अपने पूरे के पूरे वहां पे चिट्ठे खोल दिए, और उसके मुंह से जब निकला कि मीन फ्रेंड्स विद बेनिफिट जो कहा उसने अभिनव के बारे में, तो वो उसको गलत वे में जो उसने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की, वो भी उसके लिए बहुत भारी हो सकता है। और उसी चीज का गुस्सा जो एजाज को सॉरी एजाज नहीं अभिनव को आया हुआ था, जिस चीज से वो इतना बौखला के वो उल्टा पुल्टा कर रहा था और कूदी मार रहा था, ड्रम के ऊपर बैठ रहा था और कार्य में वादा कर रहा था, तो उसका गुस्सा उसने निकाला। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभिनव जो है नॉमिनेशन में भी पहली बार आया है 9 हफ्तों में, और उसके कारण भी ये हो सकता है कि उसको ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा हो और वो अपने आप को दिखने के चक्कर में भी ये चीजें कर रहा हो। लेकिन यही चीजें अगर वो शुरू से करता आता तो आज उसकी जो पोजीशन होती एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुका होता। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सारे गेम गलत खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं निकी बहती गंगा में हाथ धो रही है, निकी जो कि कविता का साथ नहीं छोड़ रही है, लेकिन कविता की अगर हरकतें ऐसे ही इंडिविजुअल रही तो शायद निकी भी आगे जाके साथ छोड़ दे। हालांकि अभी निकी और एजाज जो है कविता के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। निकी तो है ही, एजाज भी हल्का का अब उसकी बातों में नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको समझ आ गया है आगे जाके कविता के साथ उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन हो सकती है, अभी वो कहीं भी पढ़ने के मोड में नहीं है। लेकिन राहुल का मैं क्या बताऊं, राहुल जो कि कविता की गेम में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका वक्त गलत हो जाता है, इस वजह से शायद वो नहीं, जैसे कि आज के ही मैंने देखा कि आज जो जिस तरीके से वो बता रहा था कविता को कि तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकती हो, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बिग बॉस ने बोला था कि तुम्हारे कैप्टनशिप के कार्य में जिसने रोल तोड़े हैं, तो वो शायद कन्वे नहीं करवा पाया क्योंकि कविता बहुत गुस्से में थी, वो सुनना नहीं चाह रही थी और उसने उसको उस ग्रुप का बोल दिया, इस वजह से उसको तो उसने पीछे ही हटा दिया। और पवित्रा पुन्या की अगर बात की जाए, पवित्रा पुन्या बिल्कुल भी बंदी समझ नहीं रही है चीजों को, इतनी ज्यादा कंफ्यूज हुई पड़ी है और पिछले हफ्ते से वो दिख ही नहीं रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, क्योंकि घर में इतने बड़े बड़े जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके बीच में तो कविता जो है उसको लाइमलाइट में आने ही नहीं दे रही है। तो पवित्रा पुण्या एकदम से साइड में लग के जाके बैठ गई है, घर में सिर्फ दिखती ही है। तो मुझे लगता है उसको समझ जाना चाहिए था, पहले ही हाथ बढ़ा देना चाहिए था कविता की तरफ या किसी और की तरफ, उसको नाइस बना लेना चाहिए था। अब देखते हैं इनका गेम कहां जाके क्या रंग बदलता है, क्योंकि आज जिस तरीके से घर में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो घर में समीकरण बदले हैं, उसको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि अब जाके क्या
ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अली गोनी जो है अपनी ही किए पे बार बार मिट्टी फेर देते हैं, पानी मार देते हैं और जैस्मिन का चेहरा इतना सा कर देते हैं कि जैस्मिन उसके बलबूते पे छेदनी बनती है और बाद में भीगी बिल्ली बन के ऐसे देख रही होती है। तो वो जो सिचुएशन होती है जैस्मिन के लिए वाकई एम्बैरसिंग कर देने वाली होती है। अब ये कल के एपिसोड में देखना बहुत ज्यादा मायने रहेगा कि कल कौन सा टास्क खेलते हैं और घरवाले कैसे खेलते हैं, क्योंकि कैप्टनसी के टास्क के अब भी कविता बाहर है लेकिन अगला कैप्टन चुना जाएगा और बहुत से टास्क होंगे। और इस हफ्ते जो कौन घर से बेघर होता है, मेरी तरफ से तो अभिनव अभी मैं बोल रहा हूं, आगे जाके मैं आपको फ्राइडे या सैटरडे के दिन बता दूंगा कि किसके ऊपर ज्यादा ग्रहण है, लेकिन अभी तो अभिनव के ऊपर है। जिस तरीके से सामान भी चला गया है और अभिनव मुझे लग रहा है शोरली घर से बाहर चले जाएंगे। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, बनते नहीं रहिए, बने रहिए और अपने और भी दोस्तों को मेरे साथ जुड़ने की आप भी कोशिश करवाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।